कहना चाहोगे आपने क्यों उसको कत्ल किया साराय नाम को? कोई शर्मिंदगी है आपको? आगे आगे रास्ता दे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। सारा नाम के वालिद का बड़ा बयान, बेटी को कब्र में उतारने के साथ ही सारा के वालिद ने हैरान कुन फैसला कर लिया। तमाम तफसीलात इसके मुताबिक बताएंगे। और शाहनवाज की 9 माह में 3 शादियाँ, एक शादी जो बामुश्किल 1 माह चल सकी, दूसरी शादी जो 2 दिन ही चल सकी, और वलीमे के बाद लड़की जब घर जाती है मेके में उसके बाद वो वापस नहीं, क्योंकि इसने बदतमीज़ी हाथ उठाया, बहुत कुछ उसके उनके साथ भी किया। और ये सारा इनाम के साथ इसकी शादी को 3 माह हुए, यानी अभी शादी रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। और जब इसकी तमाम किस्से कहानियाँ उसके सामने खुल कर आने लगी तो इसने इससे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। खबरदीन हज़रात, आज के इस वीडियो में मुकम्मल आगाही देने जा रहे हैं, बहुत से अहम इंपॉर्टेंट इंकशाफात करेंगे इसके कत्ल को लेकर। कत्ल जहां पर कहा जा रहा था कि शाहनवाज ही कत्ल में शामिल है, यहां पर कत्ल में शामिल बहुत से लोग हैं, जिनमें इनकी वालदा सरफरिस्त हैं जो उस घर पर मौजूद थी, जिनका नाम समीना है, जिन्होंने पहले से अपनी ज़मानत करवा रखी और अपनी बेटी की ज़मानत के लिए भी काफ़ी तगोदो करती हुई नज़र आ रही हैं। तीसरा जो शख्स है इस कत्ल में वो है जी शाहनवाज का मामू, यानी समीना का भाई, और 2 दोस्त और भी शामिल है। वो किसी इस तरह से कि इस बच्ची को कैसे ये ट्रैप करते रहे, इसकी दौलत पर कैसे कब्ज़ा करना चाह रहे थे, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बहुत अहम पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना और आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि सारा के जो वालिद हैं उनका जब तदफीन के बाद जो इंटरव्यू लिया गया था वो रोने लगे थे अपनी बेटी को याद करके, उसके पुराने लम्हात को याद करके, जैसे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन उनका कहना था कि इस दरिंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस दरिंदे को मैं जो है वो फंदे पे लटकवा कर रहूँगा, और ना सिर्फ इसे सजाए मौत होगी बल्कि ऐसी मौत होगी कि इसको चौराहे में खड़ा कर दूसरों के लिए सबक मौज़ जो है वो बनाया जाएगा। खवातीन हज़रात अब मीडिया का सहारा ले रही हैं, वो उनका कहना था कि आवाज़ उठाई जाए और हम इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ केस एक ही बच्ची के साथ नहीं हुआ, इस एक लड़की के साथ नहीं हुआ, बल्कि इस्लामाबाद में ये दूसरा बड़ा केस चल रहा है नूर मुकदम के केस के बाद। नूर मुकदम का केस भी कुछ इसी तरह था, उसमें भी जाहिद ने बड़े ही बेदर्दी अंदाज़ में नूर मुकदम को कत्ल किया था, उसके अज़ा काटे थे, फिर उसकी गर्दन अलग कर दी थी, उसको काट डाला था इसने, 48 घंटे उसे अजियत में रखता रहा था। और ये भी जो शाहनवाज है इसने तकरीबन 8 बजे से सुबह 9 बजे तक उस लड़की को, उस औरत को, अपनी बीवी को अजियत और तकलीफ़ से गुजारता रहा। ना सिर्फ जिम के डंबल उसके सर पर दे मारे, उसका चेहरा ही मसल डाला, बल्कि उसे घसीटता हुआ वाशरूम ले जाता है और बाद के टब में जो है उसमें उसको लटा दे, ऊपर से टैप चला दे, यानी उसकी जो चंद सांसें बाकी थी उसको अजियत और तकलीफ़ से गुजारा इसने। ये इतना ये तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है, ये तो दरिंदा और जानवर है एक। अब दिन रात शादी के पहले जब शादी होती है बड़े धूमधाम से, फैमिली की सपोर्ट से, फैमिली की राय से, तो शायद 2 माह चल पाती है, क्योंकि जब उस लड़की पर इसके तमाम तर राज खुलने लगे हैं, ये नशा भी करता है, नशे की हालत में ये मारता पीटता है, अपने अपनी माँ की कंट्रोल में है, जो माँ कहती है वही किया जाता है। और तभी जब इस चीज़ों का इल्म होने लगा, और दौलत का ये बहुत बड़ा पुजारी है, दौलत की खातिर ये कुछ भी कर सकता है, तो इस वजह से उसकी बीवी ने पहले इससे खुला ली थी। दूसरी बीवी जो दूसरी शादी की तस्वीर भी हमने उनकी शेयर की थी, वो भी मंजियाम पर आई हैं। उनका कहना है कि ये वाकई में दरिंदा इंसान है, मैंने तो इसके साथ 2 दिन भी गुजार नहीं सकी, क्योंकि इसने शादी की पहली रात ही मुझे मारना पीटना गाली गलौज करना शुरू कर दिया था, जिससे ये वाजह होता था कि ये इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। लेकिन तीसरी शादी पर, तीसरे निकाह पर जो है इनके घर वालों ने शाहनवाज के, और शाहनवाज ने खुद सारा से तमाम चीज़ें छुपा रखी थी, अपनी दोनों शादियाँ भी, और इसके अलावा कि वो नशा करता है और इस तरह का है, क्योंकि सारा के बारे में वो जानता था कि वो वेल एजुकेटेड है, और उसे दुबई में बहुत बड़ी जॉब, एक फर्म में जॉब मिली हुई है जिसकी मंथली इनकम इसकी 30 से 40 लाख रुपए है। यानी वो इतना पुजारी था पैसे का, क्योंकि वो जानता था सिर्फ फैमिलीज़ की कुछ चीज़ें और कुछ जो प्रॉपर्टी होने के वाइस वो सिर्फ रेंट खा रहा था, उसे उसका जीना जो है, उसकी अपनी जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं होती हुई नज़र आ रही थी। तो उसने फिर सारा से शादी करने का, निकाह करने का फैसला किया, ताकि इससे पैसे कैसे बटोरे जाएँ, इससे पैसे हासिल किए जाएँ।
पैसे भी कुछ इस तरह से हासिल किए जाते थे, कभी अपनी माँ के थ्रू कुछ कहलवा कर, कभी अपने दोस्तों के थ्रू, या ख़ुद कह कर के तुम्हें तुम घर ले लो, तुम आओ करोगी तो कहाँ रहोगे, मेरे पास तो घर मौजूद है, मेरे पास तो गाड़ी मौजूद है, तुम गाड़ी भी ले लो। यानी घर की भी एक दफ़ा डिमांड हुई पैसे निकलवाए इसे, और दूसरी बार गाड़ी की डिमांड हुई जिसने अपने दोस्तों को इसने प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर जो था ना वो आगे किया हुआ था। कभी इससे 50,000 मांगता तो कभी लाखों इससे मांगता। लास्ट जो कत्ल से पहले की जो बात सामने आ रही है वो ये थी कि इसने गाड़ी ली थी जो 40 से 45 लाख की थी, और ये गाड़ी इसने शाहनवाज़ ने अपने नाम करवा दी थी। हालांकि जब इसने गाड़ी की डिमांड की थी सारा से तो यही कहा था ये घर और गाड़ी जो है तुम्हारे नाम ही रहेगी, तुम तो दुबई होती हो तो जब भी आया करोगी तो इस फार्म हाउस में पड़ी रहेगी, मेरे पास तो मेरी गाड़ियाँ मौजूद हैं। यानी इतनी चिकनी चुपनी बातों से ये जो है उसको कैप्चर करता रहता था। और इसी तरह इसने निकाह के लिए भी इसे फोर्स किया था। ये इसका कज़न तो नहीं बल्कि इसका कोलीग निकला, इसका जो है क्लास फेलो निकला, जिसकी वजह से इसकी हमदर्दियां जो हैं सारा की इसकी तरफ ज़्यादा हो गई थी। इसके वालिद का बड़ा बयान आ रहा है, दूसरी बीवी का तो सुन ही लिया आपने, इसकी जो है वालिद का कहना था कि वो अभी से नहीं छोड़ेंगे, उनका उनके दुख उनकी तकलीफ दे वो तमाम मनाजर और उनकी बातें आपको सुनवाते हैं। चले हैं सुनते हैं उनकी ज़ुबानी आखिर वो क्या करने जा रहे हैं, अगला स्टेप अब तदफीन के बाद उनका क्या होने जा रहे हैं इस फैमिली के खिलाफ। मुल्ज़िम है या मुजरिम है जिसने ये क्लियर कट एक प्री प्लान्ड एक्ट किया है एक्सटॉर्शन का और फिर इस तरह की क्रिमिनलिटी की है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए और जल्दी मिलनी चाहिए। डिले करने से वही होता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरा बस गवर्नमेंट से, अदालतों से और इन सब लोगों से रिक्वेस्ट ये है अपने गवर्नमेंट से और अथॉरिटीज़ से कि मुलजिम कब्ज़े में है और सब एविडेंस भी मौजूद है, इंटेंशंस और मोटिव्स भी मौजूद हैं, तो मुलजिम को जल्द से जल्द 2-3 पेशियों में इसको सज़ा दी जाए और मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसको लटकाना चाहिए, इसको बिल्कुल 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 इसकी इसको इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लटकती रहीं तो लोग भी भूल जाते हैं और ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरा एक सहारा हो गए, तो अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो फिर हम जैसे लोग, और इसी तरह नूर मुकद्दम के साथ जो हादसा हुआ है, ये बच्चियां बहक जाती हैं, ये इनको बहका देते हैं लोग, बहकाने वाले इनको बहका देते हैं और इनसे एक्सट्रॉशन करते हैं। ये अमीर और काबिल और कमाने वाली जो मालदार लड़कियां होती हैं उनके ये ताड़ में होते हैं, सम हाउ दे फाइंड देम आउट एंड देन दे ट्रैप देम इन नाइस विद देयर नाइस वर्ड्स और फिर उनको ये इस अंजाम तक ले जाते हैं। But our main demand is we want justice, complete justice for Sara Inam. Justice for Sara Inam. Justice, because जो ज्यादती ये हुई है इससे ज्यादा हो नहीं सकती। एक महीना पहले ये बच्ची मेरे साथ थी और मेरे साथ बाहर घूम रही थी और एक महीने के बाद ये हशर हो गया। मेरी इमेजिनेशन में, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी ये चीज नहीं आ सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ये होगा जिसको मैंने बहुत लाडों से प्यारा था। ये मेरी सबसे प्यारा बच्चा था, मैं इसको रोज़ाना इससे मैं बात करता था, चाहे मैसेज या बातों से। ये 10 साल से यूएई में थी और शी हैज़ डन सो वेल। इसके हर बॉसेस जो पुरानी कंपनी के थे इसको कहते थे कि कम बैक टू अस सारा, और ये अल्लाह के पास।